बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल्स, और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले हम एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। हमने एक चार्ट बनाया और इस तरह से लिख लेंगे इसको, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ डेसिमल, डेसिमल के राइट हैंड साइड में टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अब इसमें पहला जो पार्ट है वो है 65.391। तो हमें क्या करना है कि डेसिमल के प्लेस पर यानी डेसिमल का जो कॉलम होगा उसी में डेसिमल लगाना है, और जो हमारे राइट के नंबर्स हैं यानी जो डेसिमल पार्ट्स में हैं उन्हें फिर इस तरीके से लिखते जाएंगे। क्योंकि टेंथ के प्लेस पे है तो इसे टेंथ वाले कॉलम में रखा, नाइन्थ्स, हंड्रेड्स, और इसी तरह से इसको आप रख लेंगे, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और यहाँ है वंस और टेंथ्स। तो यह आया 65.391। ऐसे ही एक और पार्ट समझ रहे हैं, 418.069। तो डेसिमल की लाइन में यानी डेसिमल के कॉलम में डेसिमल, उसके राइट में है टेंथ्स के प्लेस पर है ज़ीरो तो ज़ीरो रख दिया, हंड्रेड्स के प्लेस पे है सिक्स, सिक्स रखा, और थाउजेंड्स के प्लेस पर है नाइन, नाइन रख दिया, और फिर वंस के प्लेस पर है एट, उसको एट वंस के कॉलम में रखा एट को, टेंथ्स के प्लेस पे है वन तो टेंथ्स के कॉलम में वन, हंड्रेड्स के प्लेस पे है फोर तो फोर रख दिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है द फॉलोइंग नंबर डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पर दिया है हमें 20.03। देखो ये पूरा नंबर क्या है, ये आपका 20 है तो उसको एज इट इज़ लिख दिया 20 प्लस ये टेंथ्स और हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के प्लेस पर है तो 3 के अपॉन में 100 आ जाएगा, थाउजेंड्स के प्लेस पे होगा तो नंबर के अपॉन में 1000 आ जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में है 108.336, तो पहले इसको एक्सपेंड करेंगे हम, ये हो गया 100 प्लस 8 और ये टेंथ्स के प्लेस पे है तो 3 अपॉन में 10, ये 100 के प्लेस पे है तो 3 अपॉन में 100, ये थाउजेंड्स के प्लेस पर है तो 6 अपॉन में 1000। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द 3 इन द फॉलोइंग नंबर्स। जो क्वेश्चन दिया है उसमें 3 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर क्या है देखो, डेसिमल है टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो ये 3 जो है वो थाउजेंड्स के प्लेस पर है तो ये हो गया 3000, और इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 0.003। यहाँ पर देखें नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है कि जो आपका 3 जो है वंस, टेंस, टेंस के प्लेस पर है तो ये हो गया 3 टेंस, यानी 3 × 10 = 30, ये इसकी वैल्यू। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें कहा है ऐड करने हैं 72.91 प्लस 4.308, तो आप पहले सम बनाएंगे इसका, 72.910, डेसिमल के नीचे डेसिमल लेंगे, उसके राइट हैंड के नंबर राइट हैंड पर, राइट लेफ्ट के लेफ्ट पर, तो यहाँ आएगा 308 और ये आ गया 4, प्लस कर लेंगे 8 का 8, 8 101 903, प्लस हो जाएंगे तो क्या बनाएगा 2 2 कैरी 1, 4 + 2 = 6, प्लस 1 कैरी कर लिया 7, और फिर 7 का 7। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद एक पार्ट और है इसका, इसमें कहा है कि 13.21 प्लस 12.52 प्लस 15.869, इसको प्लस करना है, लिख लिया, डेसिमल के नीचे डेसिमल आया, 13.21 जहाँ पर कुछ नहीं था थाउजेंड्स के प्लेस पर वहाँ पर ज़ीरो ले लिया, 12.52 यहाँ पर भी थाउजेंड्स के प्लेस पर कुछ नहीं था तो ज़ीरो ले लिया, और 15.869, फिर इसको प्लस कर लेंगे, 0 में 9 प्लस होगा 9 ही आएगा, 6 + 2 = 9, 8 + 1 = 9, 8 5 13, 13 और 2, 15 का 5 carry 1, अब इसको ऐड कर लिया, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 में 1 कैरी करा, 11, 11 का 1 कैरी 1, और इसको प्लस कर लिया 1 2 3 एंड 4, तो ये आंसर आ गया 41.599।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा है सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट में भी सेम वही करना है, 15.57 में से माइनस करना है 3.92, 7-2 5, 5 में से 9 माइनस नहीं हुआ कैरी करेंगे, 15 हो गया, 15 में से 9 माइनस करा 6, यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 माइनस करा 1, 1 का 1, सेम एज एफ पार्ट करा है हमने, 100.601, 78.830, 21.771, ये आएगा आंसर, कैसे आएगा, 1 में से 0 को माइनस करा 1, यहाँ पर 0 है, 0 में से 3 माइनस नहीं होगा कैरी करेंगे 10, 10 में से 3 माइनस किया 7, यहाँ रह गया 5, फिर कैरी करेंगे, कैरी पर यहाँ 0 से लेंगे, 0 में नहीं कोई भी कैरी कर सकते क्योंकि यहाँ 0 है, फिर यहाँ 10 से कैरी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 10, फिर यहाँ से कैरी करके यहाँ पर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 माइनस किया 7 और यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, और यहाँ पर से कैरी ऑलरेडी ले चुके हैं तो 9 रह गया, 9 में से माइनस किया 7 तो बचेगा 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 3 डेसिमल नंबर्स का सम हमें दिया है और उनमें से हमें 2 डेसिमल नंबर्स की वैल्यू पता है, कहा है कि थर्ड डेसिमल नंबर क्या होगा वो बताना है, तो हमने लिखा सबसे पहले सम ऑफ द 3 नंबर्स क्या है 98.245, उसके बाद सम ऑफ द 2 नंबर्स, जो नंबर्स हमें दिए हैं उनका प्लस कर लेंगे, 5 0, 5+0 5 आ गया, 4+2 12, 4+8 12, 12 का 2 कैरी 1, 9 1 13 4, 9 1 10, 10 में 4 जोड़ा 14, कैरी 1, 6+1 7, 7 और 2 +2 9, 3+1 4, तो यहाँ वैल्यू आई 49.425। थर्ड नंबर क्या है 98.245, इसमें से माइनस कर दीजिए 49.425, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 माइनस करा 2, 12 में से 8, 4 माइनस नहीं होगा कैरी करेंगे, जब कैरी करेंगे तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड आएगा 12, 12 में से 4 माइनस किया 8, यहाँ रह गया 7, कैरी करा यहाँ से 17, 17 में से 9 माइनस किया 8 और यहाँ रहा 8, 8 में से 4 माइनस किया। थैंक यू, आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।